Hello friends, how are you? After the long hectic time, now it's time for the cooking. पहले सोचा मैं थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ कल के लिए, फिर उसके बाद रमजान स्टार्ट हो जाएगा. और मैं आज सोच रही हूँ, वैसे as my gift day and husband they only like chicken, so चिकन बनाने लगी हूँ. और चिकन के साथ something add some potatoes as well. देखते हैं, मैं एक बहुत इजी सी एज अ वर्किंग वूमेन मैं सजेस्ट करती हूँ कि कुकिंग वो अच्छी होती है जो कि सिर्फ 10 से बट के टेस्ट बहुत अच्छा होता है. तो मैंने सिर्फ और एक ऑनियन काटी है और ऑयल डाला है. ऑयल अप टू द रिक्वायरमेंट है, जितना आपको चाहिए हो. इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले, लाइक मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें ताकि इसका टेस्ट आ जाए और थोड़ी सी खुशबू आ जाए. As I usually like my mom recipes, she was trying to do it every time. और कुछ तो डालती थी जीरा, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ. मुझे को आपने अच्छी तरह धो लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं. और उसके बाद मैं डाल दूंगी और थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो जाएगी, हल्की सी रेडिश कलर आ जाएगा प्याज का. अब मैंने इसमें थोड़े से टमाटर डालने हैं और हरी मिर्च डालूंगी और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी ताकि जस्ट मेक मसाला. ओके, इसमें मैंने डाली दो हरी मिर्चें. जैसे कि रमजान स्टार्ट होने वाले हैं और बस यहाँ हम जहाँ रहते हैं यूएई में, तो हमारा रमजान रमजान इंशाल्लाह जो कि स्टार्ट है ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे. तो कल शायद तरावी भी होगी, बिकॉज ट्यूजडे को अगर रोजा होगा तो कल तरावी भी होगी. मैं थोड़ा रियली इजी काम करती हूँ, क्योंकि मैं टमाटर काट करती हूँ ताकि कुछ कम बर्तन धोने पड़े. तो रमजान में सबकी अपनी अपनी रूटीन्स होती है. और दूसरा ये कि ऑफिस टाइमिंग डिफरेंट है. इधर रमजान में ऐसी कोई सिचुएशन है कि स्कूल्स ऑफिस 8:30 और 9:00 स्टार्ट होंगे, और इट विल बी लाइक गवर्नमेंट ऑफिस और स्कूल्स जल्दी ऑफ हो जाएंगे लाइक 2:00. और यहाँ पे लोग जो हैं दिन के टाइम यूजुअली घर में रहते हैं, बिकॉज यूएई में बहुत शदीद कुतुब गर्मी होती है. तो ऐसा है कि लोग घरों में रहते हैं और लेट नाइट आफ्टर इफ्तार देर तक टाइम बाहर स्पेंड करते हैं. लास्ट ईयर तो लॉकडाउन था इसलिए ऐसा लोग बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत हैवी किस्म का फाइन होता था. इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि क्या करेंगे, यूनसी के अभी तक तो कोई उन्होंने ऐसा नहीं रूल्स अनाउंस किए. तो वहाँ पे अफ्तार के बाद से ही तक और 11-1-2 बजे तक मॉल्स खुले रहते हैं. तो लोग यूजुअली अपना टाइम आफ्टर अफ्तार करके बाहर स्पेंड करते हैं. और मीन वाइल इन द डे टाइम आफ्टर जॉब और समथिंग एल्स रेस्ट करते हैं. हमारी भी ऐसी कोई रूटीन है.
सुबह गो टू द जॉब एंड देन कम बैक, और इससे मेरे बेटे की स्प्रिंग हॉलीडेज चल रही है, फिर क्या होगा कि नेक्स्ट वीक उसका स्कूल। अच्छा, ये मैंने बस टमाटर डाल दिया, मैं इसको थोड़ा सा ढकूंगी ताकि ये नरम हो जाए, और मैं फिर इसको ब्लेंड करूंगी और देन मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। तो इसको आप हल्की आंच पे रख लें, इट्स अप टू यू। जैसे मुझे बहुत जल्दी जल्दी खाना पकाने की होती है, क्योंकि जो वर्किंग लोग होते हैं उनको और भी मल्टीटास्किंग काम करने होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करूंगी। इन द मीन वाइल ये नरम हो जाएंगे तो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ छान का कोई मसाला हो घर में अवेलेबल वो डाल दूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको फिर ब्लेंड कर लूंगी। एंड देन मैं इसमें चिकन डालूंगी और चिकन अपने ही पानी में इसको पकेगी तो अपना ही टेस्ट अरोमा जो है बना देगी। तब तक आप ये देखें कि अच्छा, ये टमाटर को मैंने थोड़ा सा स्टीम दिया था ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए, क्योंकि ये फिर ब्लेंड करने बहुत आसान होते हैं। इसलिए थोड़ा सा वो करने के बाद यूजली मैं थोड़ा कुछ शॉर्टकट्स ही करती रहती हूँ, इजी वे ऑफ कुकिंग। लोग ब्लेंडर में डाल के उसको करते होंगे, लेकिन वही बात, वही एक अगेन आई कैन से आई यूजली ये सब कुछ इसलिए करती हूँ ताकि बर्तन कम धोने पड़े, यूजली बर्तनों में बड़ी बरकत होती है। तो अब मैं क्या करूँ कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी यहीं पर, तो ये ब्लेंड भी हो सकते हैं, ब्लेंड हो सकते हैं। और जो लोग इसको ब्लेंडर में डाला करते हैं वो ये कर सकते हैं कि इसको ब्लेंडर में डाल दें और पानी डाल के चॉप करना। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट सर्व हो गया, ये मैंने कर लिया ब्लेंड। अब ये थोड़ा सा मसाला इसका अच्छा सा ऑयल भी छोड़ देगा, तो मैं क्या करूंगी इसके बाद, अब इसमें लहसुन अदरक और सारे मसाले, मसाले की चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन बेसिक मसाले जो डालते हैं नमक, मिर्च, हल्दी। यूजली हम क्या, मैं एक और जो चिकन हम बनाती हूँ मैं बहुत लेस स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ, ब्लैक पेपर एंड काली मिर्च, और बिल्कुल बस इन दोनों चीज़ों के साथ बनाती हूँ। उसको पकाने रख देती हूँ तो वो अपने ही पानी में पक जाती है, बट सब टाइम आई नहीं कि मुझे थोड़ा सा कॉर्मा स्टाइल चाहिए, तो मैं उसमें नमक मिर्च, हल्दी और चिकन पाउडर, गुलशान का मसाला रखा हो वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप ये देख सकते हैं, आप ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन गया। इस सब से जो आप इसको ब्लेंडर भी कर सकते हो या कस्ट भी कर सकते हो, तो दोनों बहुत चीज़ें हैं जो आपको इजी वे लगे। फिर पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है जो कि मैं शाम को यूज करती हूँ, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, ये टी स्पून आया है, जिंजर गार्लिक से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो ये मैंने डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। खाने को आप जितना ज़्यादा भुनाई करेंगे वो उतना अच्छा पकेगा, और चिकन डाल के फिर मजीद और ताकत से डाल चली जाए। तो ये बड़ी अच्छी सी स्मेल दे रहा है, अरोमा इससे बहुत अच्छा आ रहा है ना। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, थोड़ा सा नमक डाला, जीरा सॉरी कोरिएंडर पाउडर, और
लाल का मसाला पड़ा हुआ था, चिकन कढ़ाई का मैं थोड़ा बहुत ऐड कर लूँगी और टेस्ट थोड़ा और अच्छा। आपकी मर्जी, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। समटाइम्स जो शाम के मसाले होते हैं वो बहुत स्पाइसी भी होते हैं, तो यूजली मैं बहुत सारा नहीं डालती मसाले। आप देख सकते हो कि ये बड़ा अच्छा सा इसका टमाटर सीप हो गए हैं और इसकी मैं धुलाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो ऑयल ऊपर आ गया, ये जमीन पर मैंने पहले से चिकन काटी चिकन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कटी हुई आती है, तो हमारे पास चिकन ऑलरेडी कटी हुई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और वो हम उसमें ऐड करेंगे इसकी भुनाई करने के बाद मसाले की, और भुनाई करने से इसका बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है, और आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ग्लेस एंड शाइनी आपको दे रहा है। बस ऐसे ही होते हैं बाहर के मुल्कों में, ऐसे ही लाइफ होती है कि बहुत यू हैव टू गो टू द जॉब, देन कम बैक फ्रॉम द जॉब, देन यू हैव टू लुक आफ्टर योर किड्स, देन यू थोड़ा बहुत घर के काम और ये वो। बिकॉज जब हम पहले रहते थे, पहले आई हैव अ मेड, क्योंकि ड्यू टू कोविड ये एक प्रॉब्लम था और हम लोग मेड रखते हैं, मेड से मतलब मैं मुझे ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि वी डोंट बिलीव ऑन एनी वन के आफ्टर यू आर फ्री फ्रॉम कोविड और नॉट। सो मुझे खुद सब कुछ आके करना पड़ता है, देन आई टेक अ नैप 40 to 50 minutes उसमें, और मेरा बेटा तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, एक समर ब्रेक है तो उसकी लास्ट ट्रांजिस्टर शुरू हो जाएगा। फिर बस यही है कि शाम को मैं कुकिंग करती हूँ, थोड़ा क्लीन अप करती हूँ, और फिर वही सुबह नेक्स्ट डे की तैयारी के अंदर वही ड्रॉप कर। अच्छा अभी आप देख सकते हैं कि मेरी चिकन जो है मैंने धो ली है, इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया था, अब मैं इस चिकन को इसमें डालने लगी हूँ और मैं इसको फ्राई करूंगी अच्छी तरह। चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी ताकि इसकी स्मेल और सारा कुछ निकल जाए। नमक नहीं इसमें डाला, द रीजन एज माय मॉम सेड के अगर आप सब में डालो तो चिकन को हार्ड हो जाती है, चिकन जो है वो एक हो जाती है ना सॉफ्ट सी चिकन बन जाती है और जूसी नहीं होती है, उसका वही रीज़न होता है कि इट्स बिकॉज कि हम इसमें नमक पहले डालते हैं। तो अब ना मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, इसकी करूँगी भुनाई अच्छी तरह। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी अच्छी तरह भुनाई करें और इसको फिर आप ढक के रख दें तो आपके कढ़ाई चिकन का अफेक्ट आ जाएगा, अगर आपको शोरबा नहीं चाहिए। व्हाट आई वांट यूजुअली कि मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा
शोरबा रखूँ ताकि जो है जब मैं शोरबा रखूँ ताकि कल जब मैं जॉब से आऊँ तो इनकी मैं इसको हम कल भी इसको खा सकूँ। तो इस सब के लिए आप इसको हल्की आंच पे रख दो, ढकना लगा दो और अब इस स्टेज पे आप इसके नमक डाल के ढकना रख के और गरम मसाला हल्का सा डाल के तो इसको आप रख दो, तो ये चिकन अपने ही पानी में जल जाएगी और यू हैव आपके पास एक अच्छा सा कढ़ाई चिकन का हुआ है। पर जैसा कि मुझे थोड़ा सालन शोरबा चाहिए तो मैं और मैंने इसमें आलू भी ऐड कर लिए, तो व्हाट आई कैन डू कि मैं इसकी थोड़ी सी बनाई करती हूँ और फिर डालती हूँ आलू। डाल दो आलू डालने के बाद मुझे जितना शोरबा चाहिए मैं उतना पानी डालूंगी एंड माय चिकन इज रेडी। और इसमें डालूंगी दो टमाटर और सॉरी दो आलू, आपने इसमें डालना है नमक और फिर जायका, तो जिसकी जो जितना नमक चाहिए उतना आप डाल लें। देन मैं इसमें डालूंगी दो आलू और दो आलू डालने के बाद मुझे जितना इसमें शोरबा चाहिए उतना डालूंगी और उसी सालन में वो चिकन भी पकेगी, आलू भी पक जाएंगे और एक नॉर्मल अमाउंट की ये भी रह जाएगी, क्या कहते हैं, सालन भी हमारे पास रह जाएगी। अब मैं इसमें ये दो आलू डालती हूँ जो कि मुझे एक आलू गोश्त लुक देता है। ये मैंने इसमें डाली आलू, अभी आलू के साथ भी इनकी थोड़ी सी बनाई करूंगी ताकि मिक्स हो जाए सालन में। इसके बाद ज्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चिकन टूट नहीं सकता। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जितना मुझे पानी चाहिए जो आलू और चिकन को गला दे। ये एक सालन का बेसन हो गया। आप देखिए जितनी भी जितनी भी बनाई करती हूँ और वो मसाला शाइन आती ऑयल आता है ये शोरबा भी इतना भी कुछ अच्छा सा लगता है। अभी इसको मैं हल्की आंच पे रखूंगी और ये अपने ही पानी में अच्छा आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हल्की आंच पे रखा तो 10 मिनट के बाद मैंने देखा इसमें ये बबल्स बनने लगे हैं, ऑयल ऊपर आ गया।